अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। तेलंगाना में 2,30,000 करोड़ रुपये के बजट तजावीज़। अखिलियतों के लिए 1,606 करोड़ रुपये का बजट मख्तस। शादी ब्याह व दीगर तकारीब में 100 से ज्यादा अफराद को जमा होने न दिया जाए, तेलंगाना हाई कोर्ट का बयान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने माली साल 2021-2022 में 2,30,825 करोड़ रुपये के बजट तजावीज़ पेश किए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पंचायत राज महकमे के लिए 29,000 करोड़ रुपये और 25,000 करोड़ रुपये ज़िरात के शोबे के लिए मख्तस किए गए, जबकि दिगर महकमे जात के लिए तजवीज़ करदा बजट इस तरह है। तेलंगाना हुकूमत ने माली साल 2021-2022 के बजट में अखिलियतों के लिए 1,606 करोड़ रुपये मख्तस किए हैं। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने असम्बली में 2,30,000 करोड़ रुपये का सालाना बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि अखिलियतों की तरक्की व बहबूद के मामले में हुकूमत पाबंद अहद है। हरीश राव ने कहा कि माली साल 2020-2021 में अखिलियतों के लिए 1,518 करोड़ रुपये मख्तस किए गए थे। इस्लामिक कल्चरल कन्वेंशन सेंटर के क़्याम के लिए कोकापेट हैदराबाद में 10 एकड़ अराजी मख्तस की गई है। बहुत जल्द तामीरी काम शुरू किए जाएंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में कोरोना मामलात में इजाफे के पेश नज़र शादी ब्याह जुलूस जनाजा और दिगर तकरीबात में 100 से ज़्यादा अफराद को जमा होने से रोकने का मशवरा दिया है। ICMR के रहनुमायाना खतूत पर अमल करने की रियासती हुकूमत को हिदायत दी है। अदालत ने कहा कि जिन इलाकों में कोविड के ज़ायद मामला दर्ज किए जा रहे हैं, उन इलाकों की कंटेनमेंट जोन के तौर पर निशानदही करते हुए मुमकिन इकदाम भी किए जाएँ। अर्जी गुजार की तरफ से एडवोकेट सी प्रभाकर ने अदालत के इल्म में इस बात को लाया कि रोज़ाना इस वबा के मामलों में इजाफा होता जा रहा है और स्कूल्स के तुलबा ज्यादा तादाद में कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजाना 50,000 RT-PCR मायने करने की रियासती हुकूमत को अदालत की जानिब से कबल अजीन दी गई हिदायत पर अमल नहीं किया गया। इस माह की 7, 11, 12, 13 तारीख को महकमे सेहत आमा की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में 50,000 मायने करवाने का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि इसको अदालत की तौहीन समझा जाए। उन्होंने कहा कि हाल ही में MLC इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी मुहिम और राय दही के दिन भी कोरोना के कवायद पर अमल नहीं किया गया, जिसकी वजह से कोरोना के मामलों में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। इस मौके पर एडवोकेट जनरल ने अदालत से कहा कि हर रोज़ कोरोना का मीडिया बुलेटिन जारी किया जा रहा है। अदालत ने इस मामले की आइंदा समाज 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। तेलंगाना हुकूमत ने माली साल 2021-2022 के बजट में अखिलियतों के 204 रेजिडेंशियल स्कूल्स को चलाने के लिए 561 करोड़ रुपये मख्तस किए हैं। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के वक्त रियासत में अखिलियतों के लिए सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल्स थे, लेकिन 6 साल के अंदर उसकी तादाद 204 कर दी गई है, जिसमें 1,00,000 अखिलियती तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 54 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स की इमारतों को तामीर करने 1,054 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने समाज के मुख्तलिफ तबकात की गरीब लड़कियों की शादी ब्याह के लिए कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के लिए बजट में 2,750 करोड़ रुपये मख्तस किए हैं। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने बजट तकरीर में कहा कि अब तक कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत 8,04,521 लड़कियों की शादी के लिए 6,480 करोड़ रुपये की इमदाद की गई है। तेलंगाना हुकूमत ने जाती ज़मीन रखने वाले गरीब ख़ानदानों को डबल बेडरूम मकान तामीर करने के लिए माली इमदाद फ्राहम करने का ऐलान किया है। वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने असम्बली में बजट पेश करते हुए कहा कि हुकूमत ने गरीब ख़ानदानों के लिए डबल बेडरूम मकान तामीर कर रहे हैं। अब तक रियासत भर में 52,000 मकान तामीर करते हुए गरीबों में तकसीम किए गए। सरकारी ज़मीन दस्तियाब न होने की वजह से हुकूमत ने गरीबों को उनकी जाती ज़मीन पर मकान तामीर करने के लिए माली इमदाद फ्राहम करने का वादा किया था, लेकिन कोरोना वायरस की वबा की वजह से हुकूमत की आमदनी में कमी हुई है, जिसकी वजह से इस स्कीम पर अमल नहीं हो सका। ताहम नए बजट में इस स्कीम के तहत माली इमदाद फ्राहम की जाएगी। बहुत जल्द इस स्कीम की गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस साल बजट में डबल बेडरूम मकानात के लिए 11,000 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। ज़िले सिद्दीपेट के गजवेल में एक 3 मंजिला इमारत के गिरने के नतीजे में एक शख्स ज़ख्मी हो गया। ये वाक़या आज सुबह गजवेल के तिम्मापुर इलाके में पेश आया। मुकामी अफराद ने कहा कि एक बड़ा वाक़या टल गया, क्योंकि इमारत में मौजूद 30 मजदूर उस वाक़े से 10 मिनट पहले ही वहां से रवाना हुए थे। इत्तला मिलते ही रिवेन्यू और पुलिस के अहदेदार वहाँ पहुँचे, जिन्होंने मुकामी वाक़े का मुआयना किया। पुलिस ने एक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि इमारत के सिलर की तामीर के सिलसिले में काम के सबब मुत्तसिल 3 मंजिला इमारत गिर पड़ी।
मरतबा फिर मुल्क में कोरोना के मुस्बत मामलों में इजाफा होता जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद कई रियासतों ने एक मरतबा फिर से मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। कोरोना की वजह से अहमदाबाद में एक मरतबा फिर जिम, स्पोर्ट्स क्लब, गेमिंग जोन्स को बंद करने का फैसला किया गया है। उसी तरह दिल्ली से मुलहक उत्तर प्रदेश, नोएडा और गाजियाबाद में दफा 144 नाफिज की गई है। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन की बढ़ती हुई रफ्तार का अंदाज़ा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि जहां शंबे के रोज़ 102 दिन के बाद कोरोना के ज़्यादा से ज़्यादा 35,886 मामले रिपोर्ट हुए हैं, एक मरतबा फिर मुतासरा महाराष्ट्र कोरोना की शिद्दत देखी जा रही है। महाराष्ट्र में हर रोज़ कोरोना के मुस्बत मामलों में इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता एक दिन में रिकॉर्ड 23,179 नए केसेस सामने आए हैं। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर देखकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चहारशंबे के रोज़ एक मरतबा फिर तमाम रियासतों के उज़राए आला के साथ जायज़ इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में वज़ीर आज़म ने तमाम रियासतों से अपील की कि वह कोरोना की रोकथाम के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करें। दिल्ली में एक मरतबा फिर से बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ट्रेसिंग और ट्रैकिंग फिर से मजबूत करने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता तीन दिन में मामलों में तेज़ी देखने को मिली है। इजाफा मामूली है और घबराने की बात नहीं है। हम बारीकी से नज़र रखे हुए हैं, सभी इकदाम उठाए जा रहे हैं। केजरीवाल ने वैक्सीनेशन की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि अगर मरकज़ी हुकूमत जवाबित में रियायत दे दे तो हम तीन महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा सकते हैं। आगरा में एक निजी बस खांडोली इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हो गई। 100 मुसाफरीन को ले जा रही बस यमुना एक्सप्रेसवे पर पलट गई। हादसे में 14 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें बगरज इलाज हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से खबर, दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में 2,30,000 करोड़ रुपये के बजट तजावीज़। अखिलियतों के लिए 1,606 करोड़ रुपये का बजट मख्तस। शादी ब्याह व दीगर तकारीब में 100 से ज्यादा अफराद को जमा होने न दिया जाए, तेलंगाना हाई कोर्ट का बयान। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होती हैं। तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।